दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है सुल्तान। दोस्तों, सुल्तान भारतीय हिंदी भाषा की मूवी है, जिसको डायरेक्ट किया है अली अब्बास जाफर जी ने और इसको प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा जी ने। तो दोस्तों, इस मूवी में मुख्य भूमिकाएँ सलमान खान और अनुष्का शर्मा जी ने निभाई हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों, सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था, जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है, लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है, जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है, लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है, उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है, जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित साध जी आकाश प्रो टेक डाउन का संस्थापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, शादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों, सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था, जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है, लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है, जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है, लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है।
कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित शाह जी आकाश प्रो टेक डाउन का संस्थापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, शादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है, लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है, लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं।
इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित शाह जी आकार और टेक डाउन का संस्थापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, शादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित शाह जी आकार और टेक डाउन का संस्थापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, शादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है।
इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है, जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है, लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित शाह जी आकाश प्रो टेक डाउन का संस्थापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, शादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है, लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है, जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है, लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है।
पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित शाह जी आकाश प्रो टेक डाउन का संस्थापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, शादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है, लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित शाह जी आकाश प्रो टेक डाउन का संस्थापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, शादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था
जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है, लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है, जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है, लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित साध जी आकाश प्रो टेक डाउन का संस्थापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, शादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है, लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है, जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है, लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है।
इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित साध जी आकाश को टेक डाउन का संस्थापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, शादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों, सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है, लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है, जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है, लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित साध जी आकाश को टेक डाउन का संस्थापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी,
शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, सादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित साध जी आकाश प्रो टेक डाउन का संस्थापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, सादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है
उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित साध जी आकाश प्रो टेक डाउन का संस्थापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, शादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों, सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है, लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है, जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है, लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है।
तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित शाह जी आकार प्लॉट टेक डाउन का संस्थापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, शादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित शाह जी आकार प्लॉट टेक डाउन का संस्थापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, शादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है।
लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित शाह जी आकाश और टेक डाउन का संस्थापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, शादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों, सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है, लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है, लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है।
डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित शाह जी आकाश को टेक डाउन का संस्थापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, शादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित शाह जी आकाश को टेक डाउन का संस्थापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, शादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है।
वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है, लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है, जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है, लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित साध जी आकाश प्रो टेक डाउन का संस्थापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, शादाब फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है, लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है, जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है, लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है
तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में, और अमित साध जी आकाश प्रो टेक डाउन का संस्थापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने, और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, शादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों, सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है, लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है, जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है, लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है, और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में, और अमित साध जी आकाश प्रो टेक डाउन का संस्थापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने, और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह,
शादाब फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूडन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित साध जी आकाश प्रो टेक डाउन का संतापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, शादाब फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूडन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है।
उसका खून जो होता है, जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में, और अमित साध जी आकाश प्रो टेक डाउन का संस्थापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने, और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, शादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों, सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है, लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है, जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है, लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है, और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है, जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में,
अनुष्का शर्मा अरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित शाह जी आकार प्रो टेक डाउन का संस्थापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, शादाब फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित शाह जी आकार प्रो टेक डाउन का संस्थापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, शादाब फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है
और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित साध जी आकाश प्रो टेक डाउन का संतापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, शादाब फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों, सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है, लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है, जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है, लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए।
इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित साध जी आकाश प्रो टेक डाउन का संतापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, सादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित साध जी आकाश प्रो टेक डाउन का संतापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, सादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है
लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है, जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है, लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित साध जी आकाश जो टेक डाउन का संस्थापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, शादाब फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है, लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है, जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है, लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है।
लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित साध जी आकाश प्रो टेक डाउन का संतापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, सादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों, सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है, लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है, जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है, लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है, उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है, जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित साध जी आकाश प्रो टेक डाउन का संतापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, सादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने।
तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित साध जी आकाश प्रो टेक डाउन का संस्थापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, सादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है।
इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित साध जी आकाश प्रो टेक डाउन का संतापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, सादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों, सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है, लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है, जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है, लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में,
और अमित साध जी आकार प्लॉट टेकडाउन का संतापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने, और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, सादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है, लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है, और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में, और अमित साध जी आकाश प्लॉट टेकडाउन का संतापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने, और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, सादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है, लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद
जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित साध जी आकाश जो टेक डाउन का संस्थापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, सादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है, लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है, लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है
और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित साध जी आकाश प्रो टेक डाउन का संस्थापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, सादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित साध जी आकाश प्रो टेक डाउन का संस्थापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, सादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है।
आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है, जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है, लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित शाह जी आकाश जो टेक डाउन का संस्थापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, सादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है, लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है, जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है, लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है।
इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित साध जी आकाश प्रो टेक डाउन का संतापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, सादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है, लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित साध जी आकाश प्रो टेक डाउन का संतापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, सादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने।
तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित साध जी आकाश और टेक डाउन का संस्थापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, सादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है।
इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित साध जी आकाश प्रो टेक डाउन का संतापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, सादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है, लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है, लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित साध जी आकाश प्रो टेक डाउन का संतापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में।
तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने, और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, सादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है, लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है, और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में, और अमित साध जी आकाश प्रो टेक डाउन का संस्थापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने, और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, सादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है, लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है।
कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित शाह जी आकाश और टेक डाउन का संस्थापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, सादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है, लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है, लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है, जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं।
इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित शाह जी आकाश और टेक डाउन का संस्थापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, शादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों सुल्तान अली यानी कि सलमान खान जी एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबराय यानी कि अमित साध जी एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा जी से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्तान को आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जी से प्यार हो जाता है लेकिन आरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही आरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद आरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून जो होता है जो सुल्तान का भी होता है लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। इसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वह लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है लेकिन तब तक उसका शरीर बेढंगा और मोटा रहता है। इस कारण वह उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हड्डा जी के पास छोड़ देता है जहां वह कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद आरफा एक बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो सलमान खान जी सुल्तान अली खान के रूप में, अनुष्का शर्मा आरफा अली खान के रूप में, रणदीप हड्डा फतेह सिंह के रूप में और अमित शाह जी आकाश और टेक डाउन का संस्थापक तथा सुल्तान का प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के गीतों के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर जी ने और इस मूवी के गानों में सुरीली आवाजें दी हैं विशाल दादलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता बादशाह, राहत फतेह अली खान, सलमान खान, मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, शादा फरीदी, मोहित चौहान, हरदीप कौर, पापोन, नूरन सिस्टर्स, नेहा भासिन और विशाल शेखर जी ने। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार मूवी है इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी एक इस मूवी को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।